डिपार्टमेंट उत्तराखंड, गढ़वाल मंडल विकास निगम एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुद्रप्रयाग प्रेजेंट्स त्रियुगी नारायण, अ न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के समीप स्थित है त्रियुगी नारायण मंदिर। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमावत की पुत्री पार्वती से मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण गांव में यहां जलने वाली अग्नि की ज्योति के सामने विवाह किया था। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी अग्नि जो तीन युगों से जल रही है। पार्वती ने कठिन तपस्या और साधना से शिव को पाया था। त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव का मन जीता। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने पार्वती के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। तब से अब तक यहाँ अनेकों जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। भगवान शिव व माँ पार्वती के इस पावन विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था, तथा ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया था। अपनी इस अनुपम विशेषता के कारण ये स्थान विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के मध्य एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक भव्य अतिथि गृह भी है। आइए आप भी त्रियुगी नारायण के इस पवित्र मंदिर में अखंड धूनी विवाह संपन्न कराएं और शिव पार्वती की भांति अपने विवाह को अमर करें।